Hello everyone, I am Shivam Chaturvedi and in this video, I am going to proceed further our topic that is acid, base and salt. In previous video, we have covered the acid, Arrhenius theory, its chemical properties, acid rain, sources of acid and indicators. And in this video, I am going to discuss something about base, okay? That is important for your class 10th examination and for the government examination as well. So without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले जब हम बेस को स्टार्ट करते हैं तो बेस को आपके माइंड में थोड़ी सी इमेज बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो पिछले वीडियो में सोप के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि जो हम सोप अप्लाई करते हैं बॉडी में वो एक प्रकार का बेस होता है. और क्या क्या बेस होता है? जब हम लोग हैवी भोजन कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा खतरनाक खाना खा लेते हैं, जंक फूड वगैरह, तो कई बार हमारे पेट में एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है. उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं? इनो, जो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में. तो इनो एक प्रकार का क्या होता है? बेस. ठीक है, इनो भी एक प्रकार का बेस होता है. सेकंड थिंग, एक चीज़ जो हम रात में खाते हैं खाना, और कोई आपसे कहता है कि आप दिन में कितने बार टूथपेस्ट करते हो या ब्रश करते हो, तो हम लोग जनरली एक ही बार करते हैं. लेकिन जो रात वाले हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो हमारा फूड है, हमने खाया, और जो हमारे ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में जो सलाइवा घूम रहा है, उस सलाइवा से फूड मिक्स हो जाता है और कहीं ना कहीं दांतों के बीच में चिपक के एक एसिडिक लेयर बना लेता है. उस एसिडिक लेयर को जब हम देखते हैं तो वो पीला पीला जो खार जैसा जम जाता है हमारे आगे, वो होता है एसिडिक लेयर, जो कि आपके दांतों को कोरोड या फिर सड़ा सकती है. ठीक, उसको हटाने के लिए हम लोग रात में ब्रश करते हैं, जिसमें टूथपेस्ट में एक्चुअल क्या रहता है? बेस. वो बेस क्या करता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, कि न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और नमक और पानी बना लेते हैं. तो पानी तो आप अंदर गया या बाहर, मान लीजिए आपने थूक दिया, नमक है जो कि आपके लिए डेंजरस नहीं होता है. ठीक है, आपसे कोई कह देता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक तो एक एडिशनल अमाउंट में हो गया, एडिशनल क्वांटिटी हो गई वो. ठीक, लेकिन जो एक्चुअल है उसमें वो बेस ही रहता है. मतलब बेस, बेसिक कंटेंट ऑफ टूथपेस्ट इज़ बेस. ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो आर्हेनियस साहब थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी बेस को लेकर. एसिड को लेकर तो उन्होंने कहा था कि पानी में डालकर, जब हम पानी में डालें तो वो क्या करें, हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर दे. ऐसे ही इसमें एक्वस मीडियम में काम होगा. एक्वस मीडियम इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक्वस मीडियम में काम होगा, पहली बात. दूसरी बात, एक देखिए कि एक हो गया मेटल, हम किसका एग्जांपल ले लें, हम ले लेते हैं NaOH का. NaOH आपने देखा होगा कि बेस होता है. ठीक है, NaOH, तो क्या होता है कि हमें पता है कि सोडियम है जो Na, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1. क्यों? क्योंकि 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1. ऑक्सीजन का कितना होता है नंबर? 8 होता है, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6. और हाइड्रोजन का 1 होता है इलेक्ट्रॉन, तो पहले ही शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए. नहीं पता तो भी हमने बता दिया. अब जब ये बन रहा है तो बेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कुछ है ना बेस? मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमने बीच में ये जो बंध या कि जो बॉन्ड के साइन है इसको हटा दिया है. ठीक है, तो अब जो होगा हमारा कि इन तीनों को वो होना है, स्टेबल होना है, तो इसको कितने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा. तो ये इससे ले लेगा तो ये तो हो गया स्टेबल. ठीक है, इससे ले लिया तो इसका बचे 2 और 8, तो हो गया स्टेबल. और स्टेबल होते ही साथ इसने अपने रास्ते बदल लिए और ये अकेला रह गया Na बनकर या मेटल बनकर, और इनका मेटल टूट गया. ठीक है, अब ये मेटल टूट गया यहाँ से. अब ये बचा, चूँकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर घूम रहा है ऑक्सीजन, इसका तो ले लिया, इनकी दोनों की बात बन गई कि हाँ भैया आप हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते. लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो हाइड्रोजन तो बेचारा वैसे ही गरीब घूम रहा था, एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास, उससे वो भी इसने छीन लिया. तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फ्रॉम हाइड्रोजन छीन लिया, तो अब हाइड्रोजन इसका साथ नहीं छोड़ेगा, कहेगा कि जहाँ भी जाओ मुझे साथ में लेकर जाओ.
और जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ में चलूँगा, क्योंकि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में है। तो जब ये दोनों साथ में जाएंगे तो ओ एच बनकर जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन चूंकि ऑक्सीजन ये है, इसके पास एक माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इससे एक लिया तो अलग अलग हो गया, लेकिन ये हो गया मेटल पॉजिटिव, ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड है जो, उसके कारण मैं चाहूँ तो एक और माइनस लगा सकता हूँ इसमें, यानी कि ओ एच माइनस टू कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि इन दोनों का साथ अभी तक है, ये अलग अलग नहीं हुए ना, तो इनका जब साथ अभी तक है तो ये मेटल पॉजिटिव अलग हो गया। और इसने अब ये पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसने दान में दिया है एक इलेक्ट्रॉन। तो भले ही भैया मैं स्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन कहीं लिखा पढ़ी तो होनी चाहिए ना कि किसने किसको दिया। तो ये लिखा पढ़ी यहाँ हो गई कि इसके ऊपर चढ़ गया पॉजिटिव, और इस लिखा पढ़ी में यहाँ इनके ऊपर चढ़ गया नेगेटिव। एक्चुअल में वो नेगेटिव चढ़ा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि ओ एच कंप्लीट के माइनस में दिख रहा है। और हाइड्रोजन वाला जो नेगेटिव, वो कहाँ गया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी साथ में है, तो वो उनका भी नहीं चढ़ाया जाएगा उनके ऊपर, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये कहानी, क्लास 11th में और अच्छे से समझ में आती है। लेकिन आपका जो टारगेट है उससे मैं क्यों भटकूँ। तो हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गया, पानी में जाते ही साथ ये प्रक्रिया हुई। और चूंकि जब हाइड्रोक्सिल आयन पानी में जाने के बाद अलग हो गया और मेटल पॉजिटिव अलग हो गया, तो ये जो इसने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ किया, इसके कारण जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करेगा उसको हम कहेंगे बेस। सब्सटेंस सब्सटेंस विच रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन एन एक्वस मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे, आर्हेनियस के हिसाब से बेस। देख लीजिए, एन ए मेटल अलग है और ये ओ एच छोड़ देगा जाकर वहाँ पर, ठीक है। तो ये पानी में जाकर जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ कर दे उसको हम कहेंगे बेस। दूसरा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। अभी हमने पिछले बारे में क्या पढ़ा था, पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी ऑफ एसिड। ऐसे ही यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलरिटी मिलेंगी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिसिटी, आई एम सॉरी, यहाँ हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। तो सिंपल सा है, याद कीजिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जितने हाइड्रोनियम आयन लगें किसको, हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो उसकी बेसिसिटी है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्यों, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ H2O या वाटर। क्यों, क्योंकि H प्लस, मान लीजिए H प्लस है, ये ओ एच माइनस आया, दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने पानी बना लिया। अब निकालने से आपके कभी आ जाएगा, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, जो कि कभी नहीं आएगी। आएगा क्या कि कैलकुलेट दी बेसिसिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट दी बेसिसिटी ऑफ एन ए ओ एच यानी कि कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकाल सकते हैं इसको, या फिर कैलकुलेट दी बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कितने ओ एच के आयन्स हैं, ये तीन, इसकी कितनी, दो, इसकी कितनी, एक, ठीक है। तो जिसके पास जितने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी। अब ये देखना है आपको कि यहाँ पर दो क्यों चढ़ गया, क्योंकि भैया हमने आपको बताया था कि ओ एच की जो कंप्लीट वैलेंसी होती है ओ एच की, वो माइनस वन होती है। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, तो माइनस वन और कैल्शियम की प्लस टू, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ ओ एच के नीचे दो आ गया और यहाँ पे वन आ गया, जो कि हम डिनोट नहीं करते। प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसिल, एन ए ओ एच। प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन यहाँ आया नीचे, कोई नहीं लिखेगा।
थ्री यहाँ गया तो थ्री हमने डिनोट किया है, तो ए एल ओ एच का होल थ्राइस आ जाएगा यहाँ पर। इसके लिए फिर मैं आपसे कहूँगा कि बैलेंसिंग वाला जो अभी हम आगे बनाएंगे केमिकल इक्वेशन क्लास 10th वाला वीडियो, वो आप लोग देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे आपको। इसके बाद हम लोग चढ़ते हैं कि एक चीज़ होती है एल्कली। एल्कली ये क्या होता है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस और एल्कली में क्या है। इससे संबंधित एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी अभी हम आपको कराएंगे। तो एल्कली क्या है, बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलने वाले बेसिस को हम कहेंगे एल्कली। यही डिफरेंस है बेस और एल्कली में। तो मान लो हमने पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया और दूसरा ऐसा लिख दिया कि ऑल बेसिस आर एल्कली, ठीक है, और दूसरा हमने लिख दिया ऑल एल्कली आर बेसिस, ठीक है। ऑप्शंस हैं इसके ए बी सी डी। पहला है वन ओनली, दूसरा है टू ओनली, तीसरा है वन एंड टू बोथ, और चौथा है हमारा नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर अपने मन से फाइंड करने की कोशिश कीजिए। और आंसर है हमारा, देखिए, ऑल बेसिस आर एल्कली। एल्कली की डेफिनेशन क्या है, बेसिस विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। और ऐसे भी तो कुछ बेसिस हो सकते हैं कि जो पानी में ना घुलें, तो ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, तो पहला तो हो गया गलत। और दूसरा ऑल एल्कली आर बेसिस, तो बेसिस विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलने वाले बेसिस को ही हम एल्कली कहते हैं, एसिड को नहीं कहते हैं। तो बेस, तो एल्कली तो डेफिनेटली बेस होगा ही होगा, तो दूसरा हमारा सही है और आंसर हमारा सही होगा बी ओनली, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की ओर। हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है, जिसमें पहली बार में हम पढ़ेंगे कि इसका मेटल से जब हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल क्या बनाएगा। एसिड ने क्या बनाया था, पानी नहीं, एसिड ने क्या बनाया था, एक सॉल्ट बनाया था और हाइड्रोजन गैस उड़ा दी थी। सेम टू सेम काम बेस करेगा, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ाएगा। देखते हैं कैसे उड़ाएगा। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर जिंक, मेटल हो गया। बेस कौन सा ले लें, सब लेते हैं जो NaOH, सिंपल। चलिए इसका वो बना देते हैं। तो याद कीजिए वो जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, फिर से लिखवा देते हैं, याद कर लीजिएगा। कड़क नाथ का मुर्गा आलू जाने फिर साने लेड हाइड्रोजन, उससे तीन सस्ते सस्ते महंगे महंगे मेटल्स Cu, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। इन तीनों से अभी मतलब नहीं है, यहाँ पर काम हो रहा है, एक है जिंक, एक है Na और एक है हमारा OH। तो ये बताओ आप कि क्या जिंक सोडियम को रिप्लेस कर पाएगा क्या। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को तो रिप्लेस कर देगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में, लेकिन जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। तो जो सोडियम है, जब हम इसमें बनाएंगे कि एक बेस दूसरे जिंक से मिलेगा, मेटल से, तो देखेंगे क्या बनेगा। क्योंकि जिंक सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि जिंक प्लस हमारा कौन सा है, NaOH, ठीक है, इसको जब हमने मिलाया, यही था ना, इसके बाद बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, Na कितने हैं, दो, दो चढ़ा दो यहाँ पर, ZN एक है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्या, सॉल्ट कौन सा, सोडियम, सोडियम जिंकेट, एक प्रकार का ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस उड़ गई। कैसे पता चलेगा, ऊपर माचिस की तिल्ली में जो खिर्र से आवाज़ आती है यानी कि पॉपअप साउंड, वो निकलते समय वो साउंड यदि आप देखेंगे तो वही आएगी और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी यहाँ से। दूसरा है अब हमारा इसका केमिकल प्रॉपर्टी और बेसिस का, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज की, रिएक्शन विद, याद रखने वाली बातें हैं ये, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, चलिए नॉन मेटल कौन सा होता है हमारा, कार्बन नॉन मेटल होता है, उसकी ऑक्साइड कौन सी, कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें हमने एक बेस मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CA1 CA1 CO3, और दूसरा क्या बनेगा, पानी। पानी कैसे, यहाँ दो एच हैं और एक ओ बचा है, टोटल चार ओ है ना, दो दो चार, तो यहाँ कितने ओ हैं, तीन, एक चार, दो एच हैं, दो एच, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, कार्बन एक है, कार्बन एक। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, ये अपने आप में सॉल्ट है, ये क्या है, ये तो पानी ही है, तो नमक और पानी, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जैसे हमने पिछले बार एक कंक्लूजन निकाला था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेंगी, तो बेस प्लस एक्स, ये बेस प्लस एक्स बराबर सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ा था तो यहाँ पर एक्स की जगह एसिड था, तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिड। ठीक है, या नॉन, आपके सामने कभी क्वेश्चन आएगा कि एसिडिक, एसिडिक नेचर किसका होता है, या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैज़ डैश डैश नेचर, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एसिडिक। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। एक्चुअल इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं अब ख़त्म, एक था हमारा नॉन मेटेलिक के साथ में, एक था हाइड्रोजन के साथ में, अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस। नया टॉपिक है एक, कि कौन कितना अच्छा एसिड है और कौन कितना अच्छा बेस है। ठीक है, कौन वीक बेस है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। बेस पूरा हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर बेस ज़्यादा नहीं था, आपको इतना याद रखना है कि जब वो मेटल के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन उड़ाएगा। और एक और कंक्लूजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करती हैं, इससे ये निकला, और क्या, हाइड्रोक्सिल आयन निकालेगा आरहेनियस थ्योरी के हिसाब से पानी में जाकर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो दो प्रकार के एसिड रहते हैं हमारे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग, और एक होते हैं हमारे वीक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक, पता ऐसे चलेगा कि मान लीजिए हमने HCl को पानी में डाला, ठीक है, हमने 1 मोल HCl डाला, 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर होता है एक, आप मान लीजिए कि 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास 1 मोल ऑफ HCl के पास में। ठीक है, जब सामने जाकर ये पानी में टूटा तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन जो बना, तो हाइड्रोनियम आयन की भी संख्या कितनी है, 6.22 × 10²³ आयन्स हैं किसके, हाइड्रोनियम आयन के, यानी कि हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो उतने ही हैं जितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, यानी कि पानी में जाने के बाद ये कम्प्लीटली डिसअसोसिएट हो चुका है, यानी कि पानी में जब ये गया तो HCl मॉलिक्यूल था, बराबर बराबर हाइड्रोनियम आयन उसने दिए जितने ये था, क्योंकि बना तो उन्हीं से था ना,
अब यहाँ पर चार मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दो एक दो एक दो एक दो, ये इनके बॉन्ड है बीच में जाकर, अंदर जाके टूटेगा तो चार ये बनेंगे ऊपर वाले और चार नीचे वाले बनेंगे, तभी से तो ये चार मॉलिक्यूल टोटल कंप्लीट में बन रहा था। यहाँ पर जब ये 6.022 × 10²³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे पानी में जाकर टूटे, तो उसने हाइड्रोनियम आयन के भी उतने ही निकाले और क्लोरीन आयन के भी उतने निकाले, यानी कि पानी में जाने के बाद जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कहाँ, एक्वस मीडियम में, उसको हम कहेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड की जब हम बात करेंगे तो वीक एसिड में हम देखेंगे कि जैसे वीक एसिड होता है कौन सा हमारा, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको हम कहते हैं, आप लोग घर में रखे होते हैं अचार बनाने के लिए। तो जब इसका हम 1 मोल पानी में डालेंगे तो जब ये टूट के आएगा तो हम देखेंगे कि 0.8 मोल CH3COO टूटा और 0.8 ही हाइड्रोनियम आयन निकला। अब 0.8 क्या है, आप 0.8 की इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जीरो इससे एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि जितना ये था जितना ये था, यानी कि ये था मान लीजिए 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू कितनी थी, 6.22 × 10²³, ठीक। वो जब पानी में गया तो वो 6.22 × 10²³ का 80% पॉइंट एट मोल है ना, तो 1 मोल की वैल्यू उतनी है, तो 80% की कितनी होगी आप निकाल लीजिएगा, 8/10 करके, 8/10 इंटू 6.022 × 10²³ ऐसे करके आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझिए इसकी, कोई आपसे निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो तो हमने आपको बता दिया कि असल में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड वेन डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम, ठीक है, यही है जो आपको जानना है। 0.8 मोल, 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो खैर आ सकती है कभी क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो वो हमने आपको बताई थी 6.022 × 10²³, यही 1 मोल की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल एटम में इतने एटम्स होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन। लेकिन हमें मान लो नहीं पता है तो हम क्या सबको पानी में डुबा डुबा के इनका कैलकुलेशन करते रहेंगे क्या, कि कौन कितने मोल में टूटा और कौन कितने मोल में नहीं टूटा। ये तो हो गए आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि निकाल लेंगे कौन, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है, साइंटिस्ट लोगों का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है कि क्वेश्चन आंसर हमसे बने, वो कैसे बनेंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर वीक। पहचानेंगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस एसिड में कार्बन इंक्लूड हो वो एक वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो दोस्ती है, कार्बन की जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग है जो, वो क्या है, उनकी दोस्ती है तगड़ी, तो वो नहीं टूटते हैं, डिसोसिएशन नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ कार्बन आएगा देख लेते हैं किस किस में आता। सबसे पहले तो आता है हमारा कार्बोनिक एसिड में, H2CO3 वीक है भाई, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH वीक है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 क्या है, वीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, अभी हमने जिसका एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं कार्बन 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 और कार्बन आ रहा है। जहाँ जहाँ कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक चीज आएगी, कार्बन जैसे ही कार्बन दिखे मार्क कर देना कि वीक एसिड है, और कार्बन ना दिखे यानी कि H2SO4 कहीं दिखा कार्बन, HCl कहीं दिखा कार्बन, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहीं दिखा कार्बन, जहां कार्बन ना दिखे स्ट्रॉन्ग, जहां कार्बन दिखे वीक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो ये तो और ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग
और वीक। वीक में हमेशा देखिए, स्ट्रॉन्ग में हमेशा यदि पीरियोडिक टेबल याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद तो पहले ग्रुप, दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं, यानी कि जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करते हैं, और वीक एसिड यानी कि जो वीक मेटल्स हैं, जो यहाँ वहाँ से जुगाड़ बुगाड़ से बन गए हैं मेटल, वो क्या करेंगे, वीक बेस बनाएंगे। और वीक बेस में हमेशा आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि है NH4OH। क्या है ये? अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्स साइड, ये है आपका वीक बेस। हमेशा एक ही क्वेश्चन आएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, वीक बेस है, या ऐसा आ जाएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनमें से वीक बेस कौन है, तो वहाँ पर NH4OH 100% होगा आपके ऑप्शंस में, जो कि आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटल कौन कौन से, पहले ग्रुप का ले लें सोडियम पोटेशियम, दूसरे ग्रुप का कैल्शियम मैग्नीशियम, और यहाँ से तीसरे ग्रुप का एल्युमिनियम। तो ये वाले मेटल्स जहाँ जहाँ आएंगे, NaOH, COH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, KOH और MgOH का होल ट्वाइस, ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो आपका क्या होगा कि ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेंथ की जो हमने बात कर ली, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, और आपके टेंथ क्लास में तो आते ही हैं, जिसको हम कहेंगे PH स्केल। उससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।